नोएडा ट्विन टावर को गिराने के लिए बारूद लगाने का काम पूरा, ब्रेक करें। 28 अगस्त को डहा दी जाएगी नोएडा सेक्टर 93 स्थित अवैध ट्विन टावर। विजुअल्स के साथ ट्विन टावर गिराने के लिए लगाए गए करीब 3700 किलो विस्फोटक। ब्लास्ट से पहले 25 अगस्त को टावर डहाने का मॉक ड्रिल किया जाएगा। विस्फोटकों को जोड़ने के बाद 20,000 कनेक्शन की दोबारा जांच। लोकेशन प्लीज। बड़ी खबर में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर यह आ रही है, 15 सेकंड से कम वक्त में जमीन दोस्त हो जाएगा 100 मीटर से ऊंचा ट्विन टावर। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी लंबा है अवैध ट्विन टावर। विजुअल दिखाई गई यहां पर। ट्विन टावर गिराने के बाद जमा होगा 55,000 टन मलबा। 28 अगस्त को खाली कराया जाएगा आसपास के घर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं यहां पर आपको जो दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए यहां पर, द टाइम बॉम्ब, ट्विन टावर द टाइम बॉम्ब। 117 घंटे 42 मिनट 53 सेकंड बाकी हैं, लेकिन क्या होगा इसमें, आइए जरा गोप्रो में आपको दिखाता हूं। सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है। जमीन दोज होंगे अवैध ट्विन टावर यहां पर। नंबर वन, 28 अगस्त को डाए जाएंगे कुतुब मीनार। प्लीज जरा ब्रेकिंग हटाइए यहां पर। कुतुब मीनार से भी ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर, नंबर वन। नंबर टू, 10 भारतीय 7 विदेशी ब्लास्टर्स और 90 मजदूर डहाने की तैयारी में जुटे। नंबर वन, फिर टावर गिराने के लिए 9,640 होल में सारे करीब 3700 किलो विस्फोटक भरा गया है। सोचिए आप जरा, प्लीज स्टे दीजिए इसको। 100 मीटर दूर से इलेक्ट्रॉनिक वायर के जरिए ब्लास्ट ट्रिगर किया जाएगा, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं रह सकता है, 100 मीटर दूर रहना होगा। फिर नेक्स्ट, ब्लास्ट से पहले 25 अगस्त को टावर डहाने की मॉक ड्रिल भी की जाएगी, मॉक ड्रिल की जाएगी ब्लास्ट से पहले। फिर एक और इंफॉर्मेशन है, ड्रिल में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एनडीआरएफ, फायर और एडिफिस इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को अवैध करार देकर टावर डहाने का आदेश दिया था। यह इंफॉर्मेशन है, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।